गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैगी पॉप्सिकल्स विद एग कोटिंग। ये आपके लिए एकदम नई रेसिपी होने वाली है और मैगी को इस ढंग से खाना अपने आप में ही बहुत लजीज है। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक फ्राई पैन को लो मीडियम आंच पर चढ़ाते हैं और उसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। साथ ही हम मैं डाल रही हूँ 1/2 बारीक कटा हुआ प्याज। इस प्याज को हम 2 मिनट के लिए सोटे कर लेते हैं। प्याज सोटे हो चुके हैं, अब हम इन्हें ज़्यादा नहीं भूनेंगे। थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और बहुत ही थोड़ी सी हल्दी। हल्दी इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 मैगी मसाला के सैशे और साथ ही 1 से 1.5 कप पानी। जितने में कि मैगी बन जाए उतना ही पानी ऐड करना है। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल मैगी में नहीं होना चाहिए, मैगी ड्राई ही बननी चाहिए। और साथ ही ऐड कर रही हूँ 2 मैगी। मैगी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। अब मैं ले रही हूँ एक ये प्लेट जो चारों तरफ से 1 इंच के आसपास उठी हुई है। आप भी कोई स्टील, एल्युमिनियम या प्लास्टिक की प्लेट ले सकते हैं जो चारों तरफ से उठी हुई हो। उसको मैं ग्रीस कर रही हूँ बहुत ही थोड़े से ऑयल के साथ। इसमें हम शिफ्ट कर देंगे मैगी और मैगी को हम चम्मच या करछी की सहायता से इस प्लेट में दबाते हुए सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ इसको, इस तरह से आप भी कर लीजिए। और इसको फिर 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद ये परफेक्ट हो जाएगी हमारी कटिंग के लिए। जब तक मैगी रेफ्रिजरेटर में सेट होती है, तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये मैदा जो हमने 2 चम्मच लिया हुआ था, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी को अच्छे से इस मैदे में मिला लेना है। कोई भी गुठली या गांठ इस मैदे में नहीं रहनी चाहिए। इस तरह का पेस्ट हमें तैयार करना है। मैदे का पेस्ट एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। देखिए कोई भी गुठली, कोई भी गांठ इसमें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अंडे के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं हो पाएगी। और दोनों अंडों को भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अभी मैं एक ही अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक अंडे को मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 पेस्ट जो हमने मैदे का बनाया हुआ है। साथ ही ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच नमक। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं अभी इसमें काली मिर्च नहीं डाल रही हूँ। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मैगी भी बिल्कुल सेट हो चुकी है। हमने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको चारों तरफ से चाकू से हल्का हल्का लूज़ करेंगे और इसको उल्टा करके टैप करते हैं तो ये एकदम बाहर आ जाती है। देखिए एकदम रेडी है ये कटिंग के लिए। और इधर हमने जो पेस्ट बनाया अंडे मैदे का, वो भी देखिए बिल्कुल अच्छा फाइन रेडी हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैगी एकदम बढ़िया से सेट हो चुकी है, तो चलिए इसके पीसेस कर लेते हैं। मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। देखिए कितने आराम से कट रही है, कहीं भी टूट नहीं रही है, क्योंकि हमने इसे पहले ही 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। बढ़िया से इसके पीसेस निकल आए हैं, तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई को चढ़ा लेंगे और उसमें डालेंगे 6-7 चम्मच तेल या कोई भी रिफाइंड या कुकिंग ऑयल, जो भी आप पसंद करते हैं। हल्का सा जब ये गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे अपने मैगी के पीसेस, मैदे और अंडे के पेस्ट में कोटिंग करते हुए। हमें बड़े आराम से इनको डालना है क्योंकि तेल बहुत कम है, ज़्यादा हमने नहीं लिया क्योंकि हमें इन्हें शैलो फ्राई करना है, ना कि डीप फ्राई। मैगी के पीसेस एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने पलट चुकी हूँ और दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह से दोनों तरफ अलटते पलटते हुए हमें इनको बोथ साइड फ्राई कर लेना है। मीडियम ही आंच पर इन्हें रखेंगे, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये फ्राई हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं और ऐसे ही मैं सारे पीसेस को इसमें डालकर शैलो फ्राई कर लूँगी। देखिए धीरे धीरे मैंने सब पीसेस फ्राई कर लिए हैं। मैगी के सारे पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। देखिए कितने क्रिस्पी भी लग रहे हैं।
तो चलिए चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस पर। ये देखिए सर्विंग प्लेट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने सभी पीसेस में एक एक टूथपिक को लगाया है और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सॉस का ड्रॉप भी किया है, जिससे कि देखने में सुंदर भी लग रहे हैं और खाने में भी बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाती हूँ। अंदर एकदम सॉफ्ट मैगी है और बाहर अंडे की लेयर देखिए कितने क्लियर दिख रही है और बहुत ही सॉफ्ट बाइट आ रही है इसकी, मतलब मुँह में घुल जाने वाली बाइट है। अंडे का टेस्ट मैगी के साथ यम, बहुत ही टेस्टी। तो आप इसको कब ट्राई कर रहे हैं और इसका फीडबैक मुझे कब दे रहे हैं, तो जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।